तो आज हमारे साथ में जो है वो है उत्सव। बहुत इसके कारनामे सेट पे खतरनाक है और सुन सुन के हम दंग है, पर ये मेरे साई वगैरह में बहुत सारे सीरियल्स में करे तो उसकी कोई जो झलकी है वो मैं बताऊंगा। पर पहले हम जानेंगे उत्सव को उत्सव से कि भैया सेट पे कैसा लग रहा है। और काफ़ी समय हो गया, कितने समय हो गया अभी आते हो? मुझे 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सेट पे मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम मिल रहा है और मैं एलेक्स प्रोडक्शन की तरफ से ही आया था और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बड़े बड़े निकल के गए हैं और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ का। और हमारे एलेक्स सर हर बच्चे की मदद करते हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट को बहुत ऊपर लेवल तक पहुँचाया है और आप बाकी सब इन्हीं से जान सकते हैं। ये तो सब तारीफ़ें हैं और तारीफ़ें तो चलती रहती है, पर मेन चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो सही मौका है क्योंकि अभी जितने भी सीरियल चल रहे हैं, जैसे कि हमारे मनीष भाई भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट को ध्यान देते हैं कि उनको कितना अच्छा किरदार मिल सके और काम मिल सके। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट करें और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ जाएँ और इनकी क्लिप देखिए। कर जाएंगी अब आप सब जी आज पूजा करेंगे और तुम्हारे अंदर के देवी लोग अपनी आंखें खोलिए। अब रेवती जी ये देखिए, माता रानी जा रही है, दिल खोल कर कीजिए। अब माता प्रस्थान कर चुकी है। क्या जरूरत थी सारी मिठाई बांटने की? ये मिठाई आप साईं बाबा के लिए लाए थे ना? मेरी भाग्यवती, ये व्यापार बढ़ाने के तरीके हैं। सर, पैसा का एक भी ग्राहक अगर 100 रुपए का आभूषण ले गया तो हो गया ना मुनाफा। साईं के लिए मिठाई और खरीद लेंगे। मतलब फिर खर्चा? तुम्हें तो जब देखो सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है।